नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। हम इस वक्त खड़े हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। सिंगरौली जिले का ये वो रोड है, हाईवे है जो जैंत की ओर जाता है, और अभी फिलहाल हम मेढौली से लगे हुए खड़े हैं। यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं, हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ का जो पॉल्यूशन है वो एक अलग ही स्तर छूता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हम जहाँ तक हमें मिली जानकारी के अनुसार हमें पता चल रहा है कि हमारे आने के एक घंटा पहले जो ये रोड आपको दिखाई दे रही है, इन रोडों पे एक घंटे पहले पानी का छिड़काव कराया गया था। पर आप देख सकते हैं कि अगर एक घंटे पहले पानी का छिड़काव कराने के बाद भी ये हाल है, तो यहाँ पर आने वाले अभी एक दो घंटे बाद क्या माहौल बनेगा। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उन गाड़ियों के पास जो धूल उड़ रहा है वो आप देखिए, वो धूल ये चक्कों के पास, अगर आप देख रहे हैं जो ट्रक के चक्के हैं, इनके चक्कों के पास अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये धूल है, ये जमीन पे गिरी हुई बालू, जो रेत है, जो धूल है जमीन पर, जो जमी हुई है परत, वो जब टायर उसके ऊपर पड़ते हैं तो वो धूल ऑटोमेटिक उड़ने लगते हैं, और पूरा यहाँ पर पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूट हो चुका है सिंगरौली। और अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इस साइड को टर्न करेंगे और ये पेड़ पौधे दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं कि ऐसे में पर्यावरण का क्या हाल हो रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधों के ऊपर एक काली परत सी जम गई है। ये पेड़ पौधे कैसे अपना विकास करेंगे, ये सूख रहे हैं पेड़ पौधे, यहाँ का सारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है। NCL जो कि ये कहता है कि अगर हम एक पेड़ काटते हैं, अगर हम खदान के लिए 100 पेड़ काटते हैं तो हम 3 गुना पेड़ लगाते हैं, मतलब अगर NCL 100 पेड़ काट रहा है तो वो 300 पेड़ और लगाता है। तो ऐसे 300 पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा, जब NCL ने रोड के बगल में जो एक खूबसूरती होती है सड़क की बाजू में, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे होते हैं, ये एक तरह से सड़क की खूबसूरती है, पर जब आप उसी को पूरा काला करके रख दिए हैं पूरा, तो वो क्या विकास हो पाएगा। जब यहाँ पर पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं है तो यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, जिससे हम सांस लेने में हमें अच्छी होती है O2, तो आप खुद समझदार हैं कि अगर जब पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं है तो हमें साफ ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पर्यावरण तो खुद ही पूरे काले धूल से लथपथ है। और आपको दिखाएंगे थोड़ा उस साइड, अगर हम टर्न करके दिखाएंगे तो जो चट्टाने हैं वो चट्टाने आपको चट्टान नहीं, काले पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, पर वो काले पत्थर नहीं है, वो चट्टान है जो कि इस धूल और रेत के वजह से पूरी काली पड़ चुकी है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर लगातार हाईवा और ट्रक आते जाते बने रहते हैं, ये एक मेन रोड कहता है। तो अगर यहाँ पर ही इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है तो फिर अब हम दूसरी जगह की तो बातें कर ही नहीं सकते। गाड़ियों पे गाड़ियाँ निकलनी है, NCL का तो प्रॉफिट हो रहा है, पर यहाँ की जो नॉर्मल पब्लिक है, जो जनता है, उसका क्या फ़ायदा इस धूल धड़ाके से, बल्कि उनकी तो जो ज़िंदगी है वो और कम होती चली जा रही है। तो अब देखते हैं कि कब तक यहाँ के जो आला अफसर हैं और बड़े अधिकारीगण हैं, उनकी आंखें खुलती हैं, और कब उन्हें जा करके एक गरीब, एक बेसहाय और एक नॉर्मल पब्लिक का दर्द दिखाई देगा। कैमरामैन राजन के साथ शमशीर आलम, पोल खोल दोस्त। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। समीम मोबाइल सर्विस, यूनियन बैंक रोड, सिंगरौली, मोरवा। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग और नए मोबाइल बेचे जाते हैं। संपर्क करें 9826834786 पर।